सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू मैं आपको आज गैसियस स्टेट से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मदद करेंगे जीआईसी मेंस एग्ज़ाम में, और प्लस आपका जो पीजीटी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी ये मदद करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल बन जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो हम लोग सबसे पहले एसर्शन रीज़न और मैच द कॉलम्स भी आपके लिए रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पीजीटीज में देखे गए हैं। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहला एसर्शन और रीज़न में ये है कि अगर दोनों ए और आर सही हैं और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन यू विल टेक ए। इफ़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन यू हैव टू टेक बी। एंड इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट सी। एंड सिमिलरली इफ़ ए इज़ फॉल्स बट द आर इज़ ट्रू, देन यू हैव टू टिक डी ऑप्शन एंड नाउ अगेन ई। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन इस तरीके से एसर्शन रीजन देखा गया है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273.16°C। यानी कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये तो माइनस का 273.1°C होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बात तो ठीक है, यानी कि ये बात सही है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम्स जीरो। यहाँ पे शायद बिकम्स जीरो लिखा था, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ बिकम्स जीरो ये लिखा होगा, और यानी कि मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पूरा कर दे रहा हूँ इसे बिकम्स जीरो। यहाँ मैं ज़ीरो लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पर आपका टेम्परेचर होगा, वो आपने देख ही लिया है, टेम्परेचर होगा और यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहा होगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर जो है फिर वो ए, यानी कि क्या है, देखें ऑप्शन में, यानी कि ए और ये और बी, यानी एसर्शन भी सही है लेकिन रीज़न सही नहीं, स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसमें हम लोग जो ऑप्शन देंगे, इसमें ऑप्शन हम लोगों को देना चाहिए, इसका आंसर जो है फिर हम लोगों को बी लगा देना चाहिए। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग बी लगा देंगे। कलर में बैरी कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाए, यानी कि मैं यहाँ से आंसर इसके सामने लिखे दे रहा हूँ। ये आंसर मेरे हिसाब से बी सही है जो मैंने समझाया है इसमें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इज़ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर इज सेम फॉर ऑल द, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब हुआ कि बी जो है वो इसका वैल्यू और रीज़न दोनों ही ठीक है। इसका मतलब यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो सभी गैसेस के लिए सेम होती है, वो वेरी नहीं करती। तो आंसर यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो ए है वो सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन अ गैसियस मिक्सचर इज प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस विद टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ये बात भी सही है, यानी कि थर्ड में भी फिर वही बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ए भी सही है लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। तो यहाँ भी हम लोग बी आंसर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पे चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि N2 एंड O2 आर हैवियर देन हवा, यानी कि N2 और O2 जो होती हैं एयर से हैवी होती हैं। इस बात का हमें आंसर देखना है। तो देखिए, N2 O2 क्या हवा से भारी होती हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि भारी होती हैं, ठीक है। और द एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ एयर इज 27, ये भी कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों तो मुझे गलत ही लग रहे हैं, यानी कि बोथ, यानी इसमें हम ई लगाएं, बोथ ए एंड आर आर, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, यानी कि एसर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग N2 हमसे भारी नहीं होती, हल्की होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर
ई ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ई ऑप्शन में ये दिया हुआ है, दोनों अगर गलत है तो। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन पे जाते हैं। जूल थॉम्सन जो कोफिशियंट है फॉर द आइडियल गैस इज जीरो, यानी जूल थॉम्सन कोफिशियंट जीरो होता है, ठीक है, ये बात भी सही है इनकी। देर इज नो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, हाँ इसीलिए जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन जो है पांचवें वाले में दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इनका आंसर भी सही है, तो यहाँ पर मुझे ए ऑप्शन लगा देना चाहिए, मेरे हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अब आपको अगर कुछ लगता है, कोई कन्फ्यूजन लगे तो जरूर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। द ल्यूकिफेक्शन ऑफ अमोनिया इज ईजियर एज कम्पेयर टू द मीथेन, यानी ल्यूकिफेक्शन अमोनिया का आसानी से हो जाता है मीथेन, क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, तो ईजिली ल्यूकिफाई हो जाते हैं कम प्रेशर में, कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन, रीजन भी एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ए ऑप्शन ही लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का ज़्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग। इसके बाद सेवन्थ पे आ जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वेंडर वॉल, द वैल्यू ऑफ द वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है वैल्यू, तो ये तो ए मतलब इसमें पहला सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, द वैल्यू ऑफ एंड बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ये नेचर पे ही डिपेंड करते हैं इसीलिए अलग अलग होते हैं, वेरी गुड नाइस। तो यहाँ पर भी हम लोग फिर ए ही ऑप्शन लगा लेते हैं, इसका भी आंसर फिर ए ही हो जाएगा। उसके बाद फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जीरो होता है, फॉर एन आइडियल गैस पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है, इसका मतलब है आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है सब ए से ही लगे हैं लाइन से, ठीक है। एसर्शन एट द सेम टेम्परेचर वी रियल इज लेस देन वी आइडियल, यानी कि नमे में भी मुझे अभी ही देखते हैं, दूसरा पढ़ लेते रीजन एसर्शन पढ़ लेते हैं, द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए रियल गैस बट नॉट इन बिटवीन द, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, तो यहाँ पर भी भाई सब ए ही लगेगा। तो अभी तो नसीब वाली बात हो गई कि भाई लगातार शुरुआत में हुआ फिर बाद में सब ए ही चल रहा है। टेंथ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग कि टेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हीलियम एंड हाइड्रोजन शो हीटिंग इफेक्ट एंड द जूल थॉम्सन इफेक्ट, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन शो द हीटिंग इफेक्ट इन जूल थॉम्सन इफेक्ट, बिल्कुल सही है, द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हीलियम हाइड्रोजन लो है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि यहाँ पर भी फिर ऑप्शन मुझे ए ही लगाना चाहिए। तो जय श्री राम, यहाँ तक हो गया काम, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए भाई अब मैच द कॉलम की बारी है। अब मैच द कॉलम को मैंने बीच में इसलिए कर दिया है क्योंकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ, है ना, किसी कर लें। तो पहले के ऑप्शन देखो, ये जो है पहला का ऑप्शन मैं कहता हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स सी स्क्वायर। तो पहले वाले का ऑप्शन काइनेटिक है कहीं पर, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी से तो पहले सही कर दूँ मैं, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ इसको बी, चलो ठीक है। अब इसका ऑप्शन में चलते हैं, तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो तीसरा दिख रहा है इसमें, साफ दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट का मैं इसका डी लगा लेता हूँ, ठीक है, और सेकंड वाला पहले तीसरे का भी लगा लेता हूँ बी, थर्ड का भी मैं बी लगा लेता हूँ ना, तो बाकी और ये लगा लेता हूँ मैं, ये तो चार्ल्स लॉ है, यानी इसका मैं ए लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी बचा, तो इसका मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो सेकंड वाला जो है वो हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो गई इस तरीके से। अब अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए जो आपको तीन आते हो, तो चौथे वाले का ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाता है, वैसे अब आपको पता भी होना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है। इसके बाद आ जाइए, देखिए ये वैल्यूज़ मैंने इससे पहले जो वीडियो दे रखी है उसमें ये लिखी हुई है वैल्यूज़, मोनो एटॉमिक की वैल्यू क्या होगी, डाई एटॉमिक की क्या होगी। तो मोनो एटॉमिक के लिए मैंने 1.66 आपको लिखाई, तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे ये डायटॉमिक ट्राईटॉमिक है, ये थोड़ा सा इस पर जो है वो मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर मैं डायटॉमिक कर देता हूँ, इसे मैं डायटॉमिक कर दूँ, डायटॉमिक कर देता हूँ, और ये आपका हो गया ट्राईटॉमिक, ठीक है, और ये हो गया आपका टेट्राएटॉमिक, ठीक, क्लियर। तो अब मोनो डाई ट्राई इनकी सबकी वैल्यूज़ आपको लिख करके मैंने बताई, तो इसका मतलब मोनो एटॉमिक की वैल्यू 1.66 थी और डाई एटॉमिक की वैल्यू जो है वो 1.40 थी, तो इसका मतलब ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ,
यहाँ पर सी लिख देता हूँ। ट्राई वाली भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1.33 समथिंग होती है, तो इसका मतलब ये आपका बी हो जाएगा, तो डी सी बी हो गया। फिर अब आपका आखिरी टेट्रा के लिए ए बचा, तो मैं ए बी सी डी उल्टा लग गया है, दिख रहा होगा आपको, अब बिल्कुल लाइन से लगे हुए। इसके बाद चले आइए क्रिटिकल टेम्परेचर, ये तो वैल्यूज़ आपको पता होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो कितनी है, ये 8A/27 RV होती है, यानी कि इसका मैं डी लगा देता हूँ, फर्स्ट का मैं डी लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं थर्ड सेकंड वाले बॉयल, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी क्या है, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर के लिए A/RV होता है, यानी सिंपल सा ये फिर मैं ए लगा देता हूँ, यानी सेकंड वाले का आंसर जो है मैं ए लगा देता हूँ। थर्ड वाला क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो होता है 2A/RV, यानी कि ये वाला ऑप्शन, यानी कि बी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। और जो फोर्थ हमारे पास बचा ऑप्शन, तो फिर अब ऑप्शन ही नहीं बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कि टी रिड्यूस टेम्परेचर जो है वो सी अपॉन क्या हो जाएगा, T/TC हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है वेंटरवॉल, ये वाला तो क्वेश्चन खैर आप ही करें तो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है, कि गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होती है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, जूल पर केल्विन पर मोल होती है, तो यानी यहाँ सी लगा लीजिए, सिंपल। सेकंड वाले का ऑप्शन ये, यानी कि वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट ए की वैल्यू होती है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, इसका बी लगा लीजिए। मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये मोडल नहीं है, मोलल है, मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, तो भैया मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन में होगा, मोल पर केजी, ठीक है, इसका मतलब हम डी लगा लेते हैं। और चौथा वाला ऑप्शन तो अब तो आपको पता ही है कि जूल पर केल्विन हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो थे, जो ऑप्शनल थे, वो मैंने आपके सामने रखे, और इन क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर भी डिस्कशन किया। इनको आप करिए और करने के बाद इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आपने पेपर में भी देखा होगा कि क्वेश्चन आ जाता है, यानी एक असर्शन रीजन कहीं ना कहीं होता ही है। मैच द कॉलम इस बार भी PGT में आया हुआ था एक, आपने वो भी देखा था, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो है वो गैसेस स्टेट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। जरा बिल्कुल आप लगातार मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, तो यानी कि हम भी करेंगे और आप भी करेंगे, दोनों इसी लेवल पर चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एज शोन इन द फिगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 CM of Hg। मैं यहाँ पर ही चल रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर मैं इस साइड में सॉल्व करता चलूँगा। इधर वन का आंसर, यानी कि 76 cm Hg प्रेशर ऑफ द गैस इज 77 सेल। जो गैस का प्रेशर है वो 77 cm Mercury है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना है। तो सिंपल सा मैं अगर फार्मूला अगर सिंपल वे में बोलूं तो फार्मूला क्या है, जैसे कि आपको फार्मूला पता होगा कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाता है कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी बोलिए या डी जी भी बोल सकते हो आप, रो जी बोलिए या डी जी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि हमें किसका प्रेशर निकालना है, प्रेशर हम लोगों को निकालना है सिंपली ये वाला, तो इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी, तो यानी कि एच डी जी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए पी जी, मतलब गैस का माइनस हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो यानी कि पी जो अब इसकी वैल्यू भी अगर सपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका एच टू डी जी मान लीजिए इसे, माइनस एच वन डी जी मान लीजिए, ठीक है, और ये हो गया आपका एच डी जी, तो डी जी तो हटा दिए, कॉमन लेके कट कर दिए, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा एच टू माइनस एच वन, मतलब हाइट है, तो हाइट यहाँ कितनी दिख रही है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये कितना दिख रहा है, ये डिफरेंस प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ है और प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ है, तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो गया, ये आपका प्रेशर ऑफ द गैस 77 हो गया, और माइनस प्रेशर ऑफ द गैस हो गया 76, यानी सिंपल सी बात है कि 1 cm इसका आंसर आया। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रूर आपको लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी भी चाहिए। अब क्वेश्चन
नंबर यानी कि इसमें आंसर हम लोग जो लगाएंगे वो आपको पता है कि ए ऑप्शन इसमें सही आना चाहिए। आप भी एक बार कैलकुलेशन की चेकिंग आप भी करते रहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तो भाई सिंपली कभी कभी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको चेक करते रहें। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड, द मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ टू गैसेज एट द सेम टेम्परेचर आर U1 एंड U2, यानी मॉलिकुलर वेलोसिटी जो है वो U1 एंड U2 है। यानी कि सिंपल सी बात करें कि μRMS की बात करें तो μRMS जो आएगा वो अंडर रूट आपका हो जाता है 3RT/m। ये मैंने इससे पहले जो वीडियोस दे रखी हैं उनमें बताया हुआ है। इसका मतलब ये अगर 1 है तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, रेसिप्रोकल में चला जा रहा है। तो सिंपल सा मैं ये कह सकता हूँ कि μ1/μ2 इज इक्वल टू अंडर रूट में जाना चाहिए m2/m1, मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ। अब इसको अगर हटाएं तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो u1/u2² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m2/m1। इनसे आंसर मिलाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, और कहीं मैचिंग नहीं मुझे यही लग रही है, देखते हैं फिलहाल आता क्या है। तो μ1² m1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2² m2, यानी कि सिंपल सा मैं ये डी ऑप्शन इसमें लगा देता हूँ कि डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द सैंपल ऑफ द नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू एस्केप इफ़ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर टू बी चेंज इन द गिवन, यानी वैल्यू ये चेंज हो रही, डिफरेंस मतलब हम इन लोगों का डिफरेंस निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा एन जी निकालना है। तो सिंपल से हम ये कहें कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू N2-N1 हो जाएगा। अब ये N2-N1 जो होना है, लेकिन ये तो अगर इसे N1 मानते हैं, इसे N1 मानते हैं, तो इसे N2 मानना पड़ेगा। तो यहाँ फार्मूला ऐसा करते हैं, इसे N1 कर लेते हैं, इसे N2 कर लेते हैं, डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर आपको N1, अब आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, यहीं पर बताता हूँ। PV इज इक्वल टू होता है NRT, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN1 अगर निकालना तो P1V1/RT1 हो जाएगा। R कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका P1V1/T1, है ना, 1/R बाहर निकाल लीजिए, और माइनस हो जाएगा आपका P2V2/T2। तो अब आप एक काम ज़रूर कर लीजिएगा भाई कि मैंने क्या काम किया, इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, बाकी मैं फार्मूला परसेंटेज तक पहुँचा दूंगा आपको कि इफ़ इट्स टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम टू बी चेंज इन द गिवन, परसेंट में दिया है तो मैं आपको फार्मूले तक पहुँचा रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने नहीं किए, इसलिए आंसर आपको ही बताना पड़ेगा कि आंसर कितना, लेकिन फार्मूले तक पहुँचा रहा हूँ। प्रेशर कितना दिया है भाई, शुरुआत में प्रेशर है आपका, पहले तो आर की वैल्यू रख देते हैं 1/, अब ये देखिए जब भी गैस या एनर्जी मतलब गैस का कंसेप्ट चल रहा हो, वॉल्यूम का कंसेप्ट चल रहा हो, तो हमेशा 0.0821 रखते हैं, ये वैल्यू रख लीजिएगा। और अंदर जो है P1 हो गया आपका 3 गुणे, अब कितना प्रेशर यहाँ पर ये देखा 1.6 लीटर में, तो 1.6765 हो गया आपका, और अपॉन में हो गया टेम्परेचर आपका 273 डिग्री सेल्सियस है, इसे कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, और जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 273 + 273 6 हो गया, 46 हो गया, यानी 546 हो जाएगा, ये 546 माइनस हो जाएगा आपका। फिर P2 कितना है आपका, P2 है 0.75 है, और इनटू आपका ये है आपका वॉल्यूम 0.55 है, टेम्परेचर आपका हो गया 273, जोड़ दीजिए, ये घटा लीजिएगा। जब ये घटा लेंगे तो फिर क्या करना, जो आपका n आ जाए तो परसेंट, जो मतलब यहाँ से डेल्टा n निकल के आ जाएगा, तो डेल्टा n, तो परसेंटेज कैसे निकालना, यहाँ से डेल्टा n निकाल लीजिएगा, डेल्टा n जो है वो आप यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब डेल्टा n जब यहाँ से निकल आएगा तो जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा एन की वो यहाँ लिख दीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज इज इक्वल टू का फार्मूला बनाइएगा, परसेंटेज इज परसेंटेज का आपका गैस एस्केप है ना, यहाँ पे व्हाट विल बी द परसेंटेज पूछा ना, तो परसेंटेज ऑफ द गैस जब निकालना पड़ेगी तो डेल्टा एन जो भी आए उसको एन वन से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका ये परसेंटेज निकल आएगा। जो भी परसेंटेज आए बताइएगा भाई कितना परसेंटेज आ रहा है, तो वो उसी हिसाब से आंसर चेक हो जाएगा। आंसर बाद में आंसर की से मैं लगा दूंगा कि कितना आंसर इसका आ रहा है, फिलहाल अभी आप यही करिएगा। चौथे क्वेश्चन पे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू रिप्रेजेंट द मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक मॉडल। देखिए मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक मॉडल को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वही माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक मॉडल को एक्सप्लेन करती है गैसेस मॉलिक्यूल्स के। तो काइनेटिक के इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, यही फार्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें ऑप्शन मुझे ए सही लग रहा है, तो मैं ए ही ऑप्शन इसका रिप्रेजेंट करूँगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी हम देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको मतलब इस क्वेश्चन का एक अपना लेवल है, तो इन क्वेश्चन को करिए ज़रूर आप, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, देखें भाई। अब कह रहा है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट है क्या, देखते हैं। एज द प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम इंक्रीजेज एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये गे-लुसैक लॉ नहीं है, ठीक है। एज द प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज नहीं है। एट द टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर डिक्रीज एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये भी नहीं है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीज एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी गे-लुसैक लॉ कहता क्या पहले तो ये पता रहे। गे-लुसैक वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम ऑफ इक्वल गैसेज यानी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, है ना। प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैसेज, यानी कि प्रेशर डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर पे। तो हम ये लोग ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गे-लुसैक लॉ एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया गया है, यानी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेज नहीं, उल्टा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीज, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही आंसर यानी कि डी ऑप्शन इसका हमें फिर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखिए इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस इज, यानी डेंसिटी सर्टेन गैस की दे रखी है, ठीक है। अब डेंसिटी जब दे रखी है तो इसका मतलब है कि हम लोग रो लगा दें, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस 1.35 दे रखी, ठीक। देन डेंसिटी यानी दूसरी डेंसिटी पूछी है OIC, तो इसका मतलब है आपको वही लगाना पड़ेगा कि वही D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी वाला फार्मूला जो मैंने ड्राइव करके बताया, तो D या रो मान लीजिए D इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। अब इसमें करना क्या है वो देख ले, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर भी दिया है, ठीक है। तो अब हम लोगों को फार्मूले में दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी क्योंकि डेंसिटी भी ही पूछी, तो एक तो D1 मान लीजिए और प्रेशर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही, बाकी इसमें जो है प्रेशर टेम्परेचर मोलर मास डेंसिटी सर्टेन गैस मोलर मास तो फिर वही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस इतना देन डेंसिटी, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर वेरी करेगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला बना लेते हैं, D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P2 इंटू, ऊपर आ जाएगा P2 इंटू T1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका P1 इंटू T2 आ जाएगा। अब क्या करिएगा, इनमें वैल्यूज D2 हमें निकालना है, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वैल्यू जो है P1 T2 तो ऊपर आ जाएगा, है ना। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, है ना, तो ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसमें, तो सिंपल सा कहने का मतलब है ऊपर जो आना चाहिए वो D1 अपॉन, यानी कि क्या करना है एक बार और देखना पड़ेगा, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस नहीं नहीं ठीक है, तो D1 अपॉन है, तो इसका मतलब है हमें निकालना क्या है, निकालना सिंपली हमें D2 है ना, D2 निकालना है। तो D2 पहले तो ये गलत हो गया कि जो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D2, तो यहाँ P2 तो नीचे ही आएगा ना, तो ये फार्मूला थोड़ा गलत बन गया। चलिए दोबारा इसको बना लेते, पहले इसे हम मिटा लें, सब जगह भी बना लेते हैं ना, जगह भी गड़बड़ा गई है, तो जगह भी पहले बनाए तब थोड़ा साफ लिखेगा, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कि भाई डी इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू PM अपॉन RT हो गया, ठीक है। तो यानी कि D1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P1M अपॉन RT1, इसी तरीके D2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2M अपॉन RT2।
अब इसका मतलब अब हम इसे डी टू अपॉन डी वन करें तो बात वही है ना, डी टू अपॉन डी वन कर लें तो डी टू का मतलब हो गया यहाँ आ जाएगा आपका पी टू, नीचे आ जाएगा आपका पी टू हो गया और नीचे आपका टी टू, हाँ है ना, पी टू टी टू हो गया। और यहाँ पर डी वन जब नीचे आएगा तो ये टी वन ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका पी वन, है ना। तो डी टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वन पी टू टी वन अपॉन टी टू पी वन, ये आ गया ना। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, और वैल्यूज़ पुट करने का मतलब है डी वन की वैल्यू कितनी हो जाती है, डी वन की वैल्यू हो जाती है आपकी डी वन ये कि 1.35 हो जाती है, और आपकी प्रेशर पी टू की वैल्यू हो जाती है 760 हो जाती है, 760 हो जाती है, इंटू टेम्परेचर कितना हो जाता है, टेम्परेचर हो गया आपका 30 जोड़ दिए तो 73 और 30 303 हो गया, तो ये 303 रख देता हूँ। और टी टू की वैल्यू जो है सिंपल टी टू मतलब एस टी पी पे 273 मान लीजिए, और पी वन प्रेशर कितना होता है 760, है ना, 768 टॉर दिया ना, तो ये हो गया आपका 760 हो गया मतलब प्रेशर, और टी वन कितना दिया कितना 768 यहाँ रख दीजिए। इसको भैया कैलकुलेट कर लेगा, जो कैलकुलेशन आएगी फिर वही आपका आंसर आएगा, यानी डी टू की वैल्यू आप कैलकुलेशन करके यहाँ निकाल दीजिए, इतना काम आप कर लीजिएगा। तो कैलकुलेशन तक क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे भी थोड़ा कर तो दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं कर देता हूँ। मोबाइल निकालना पड़ेगा भैया, चलिए मोबाइल भाई साहब आप कहाँ हैं, आ जाइए फटाक से और इन्हें कैलकुलेशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 1.35 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 760 मल्टीप्लाइड बाई 303, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 303 ठीक है, चलो डिवाइडेड बाई नहीं मल्टीप्लाइड बाई 760 है ना, तो ऊपर तो आपका क्या T1, हाँ T1 ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप 273, ठीक गलत तो नहीं किया है, और इज इक्वल टू फिर डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप 768 यानी कि 1.48 आ रहा है, ठीक 1.48 लिख लीजिए, फिर क्या बात है, जब आ ही रहा है तो 1.48 किलोग्राम हो गया मीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालिएगा तो ये फिर आंसर ए इसका 6 वाले का ए आ जाएगा। चलिए ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन आप भी करिएगा ना। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्वांटिटी ऑफ ए गैस इज कलेक्टेड इन ए ग्रेजुएटेड ट्यूब ओवर द मरकरी, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस 18 डिग्री सेल्सियस एट 18 डिग्री सेल्सियस 50 ml एंड लेवल इन 100 ml, ठीक। तो एक काम तो सबसे पहले यही कर लो कि इनका डिफरेंस निकाल लो कि मरकरी का लेवल है, तो डिफरेंस जो आ गया तो पहले मुझे जगह बनानी पड़ती ना भाई साहब, जगह बनाता हूँ इनकी मैं, चलिए मैं जगह इसकी क्लियर कर लेता हूँ, चलो ठीक डन हो गया। अब इसका मतलब इनका डिफरेंस मैं निकाल दूँ कि नेट प्रेशर जो है वो कितना आएगा, नेट प्रेशर जो निकल के आएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा सेवन कितना है 100 और कितना शुरुआत में कितना, ये तो 150 हो गया और ये 750 हो गया, 750 टॉर, और ये टॉर दूसरा कहाँ है, टॉर 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 100 मिलीमीटर है ना, 100 mm हो गया। तो सिंपल सी बात है कि हम ये क्या करें, 750 माइनस 100 कर दे, बराबरी होता ना, वन टॉर के बराबरी होती वैल्यू, तो 650 हो गया। चलिए ये काम तो एक हो गया, अब हमारे पास क्या चीज़ दिया है, तो ये प्रेशर टेम्परेचर दिया है, फिर प्रेशर दिया है, तो एस टी पी पे पूछा, तो वही सिंपल सा अपना लगाओ, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, हेंस द वॉल्यूम निकालना, तो वी टू इज इक्वल टू हो गया पी वन वी वन टी टू अपॉन हो जाएगा टी वन बी टू, इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं ज़रा, वैल्यू कितनी है, बोले वैल्यू ढूंढनी पड़ेंगे भैया, पी वन प्रेशर कितना है, प्रेशर तो आपका वही 650 आ गया, और वॉल्यूम बी वन कितना है, वॉल्यूम बी वन 50 आ गया, इंटू टेम्परेचर टी टू कितना है, टी टू एस टी पी वॉल्यूम एस टी पी निकालना है, मतलब टेम्परेचर 273 रख दें, और शुरुआत का टेम्परेचर 18 और 273 हो गया, 273 प्लस 18 8 3 11 का एक हंस लगा 8 एक 9 हो गया, 291 यहाँ रख दीजिए, 291 इंटू 760
है ना, 760 होता है एसटीपी पे। अब इसको वी टू को कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए मैं तो कल मोबाइल से कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन, लेकिन भैया आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए क्योंकि वहाँ तो मोबाइल अलाउ है नहीं। तो 650 इंटू 50 हो जाएगा, 650 इंटू 50 इंटू 273 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई होगा 291, ये वैल्यू आई, डिवाइडेड बाई हो गया आपका 760, तो ये 40 आ गया आपका, ये आ गया 40.1 आ रहा है, आप इसे 40.1 आ रहा है, आप इसे 40 ml मान लीजिए, चलिए यानी 40 ml 40 ये आ रहा है। चलिए ठीक है, आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है विच डज नॉट रिप्रेजेंट द आइसोबार बाय द चार्ल्स लॉ, कौन सा आइसोबार चार्ल्स लॉ का रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आइसोबार में भाई चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये कौन सा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है तो ये नहीं कर रहा है, तो इसका एट का ए लगा लीजिए, है ना, ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। चलिए इसके बाद नमे पे चल लेते हैं। नमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा नहीं। तो ये तो देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, बॉयल्स लॉ होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर तो यहाँ ये चीज़ पॉसिबल यानी कि सिंपल सा ठीक है। इसी पे चल लेते हैं, वॉल्यूम प्रेशर और प्रेशर, ये तो ये प्रेशर यहाँ प्रेशर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होता है सीधी लाइन होती है, इसका मतलब इसका आंसर फिर 9 का सी ही आना चाहिए, बाकी तो ये प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ही, और डेंसिटी पीस डेंसिटी का डायरेक्ट ये भी सही है, तो यही फिर सी गलत हो जाएगा, है ना, नॉट करेक्ट यही होना चाहिए। आप भी एक बार देखिएगा, फिलहाल मैंने तो इसका आंसर यही लगा दिया। टेंथ पे आ जाइए, विच ऑफ द एजम्पशन ऑफ द इनकाइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन दैट अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि काइनेटिक थ्योरी कहती है कि वॉल्यूम जो है जब मॉलिक्यूल्स का कोई भी गैस जो होती है, किसी भी गैस को किसी कंटेनर में जब भर लेते हैं तो इतना ज़्यादा यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनको कंप्रेस कम किया जा सकता है कि एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस, तो इसका मतलब है गैप जो होते हैं वो लार्ज होते हैं ज़्यादा, मतलब प्रेशर सिंपल सा हम ये कहें कि अगर यहाँ पर एक पिस्टन ले लिया गया और इस पिस्टन में हमने ये ज़्यादा नीचे तक बिठा सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं पिस्टन को, क्यों, क्योंकि इनके बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, है ना। तो मतलब कहने का काइनेटिक थ्योरी मॉलिक यही कहती है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इट मीन्स लार्ज गैप इज बिटवीन देयर, तो इट मीन्स इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो अब इनसे मिलता जुलता कोई सेंटेंस मिले तो काम चले, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडम इन अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक, ठीक है, इसके बाद क्या है वो देखें जरा, पहले तब समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज मच ग्रेटर देन, मुझे तो फिर इसका मतलब यही, लार्ज स्पेस है ऑक्यूपाइड बाय द एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द कोलिजन विद द वॉल्स, फिर सी लगाइए आप, इसका आंसर जो है आप सी लगाइए क्योंकि वही कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अब तो सिंपल सी बात है कि जो ग्यारहवा है वो ग्यारहवें में क्या करना है कि गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो गैस की तो ए भी प्रॉपर्टी है ना, ए प्रॉपर्टी है गैस की, ये भी गैस का ही प्रॉपर्टी है, और सी वाला ऑप्शन भी गैस का प्रॉपर्टी है ना, समझ रहे हैं मेरी बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये तीन हमने जो गैसेस में पढ़े हैं, तो सिंपल सा ए बी सी कहीं पर दिया हो तो ये जो है ए बी सी, यानी कि इसका ऑप्शन फिर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि यही तीन गैस की प्रॉपर्टी है, डी ये गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो यानी कि मीनिंग हुआ कि मुझे आंसर फिर डी डी ही आंसर लगाऊंगा मैं इसका, डी आंसर बढ़िया आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं फॉर सी यू, है ना, आइसोथर्म इज द टाइप, किस टाइप का आइसोथर्म है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 12 वाला, अगर आप ये कहें कि आपने रियल गैस इक्वेशन या वैंडर वॉल गैस इक्वेशन पढ़ी है तो आप इसे आसानी से लगा लेंगे। तो जरा देखिएगा ध्यान से कि वैंडर वॉल गैस इक्वेशन कहती है कि जो पॉइंट ए है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो डाउन दिख रहा है आपको, और बी पॉइंट पर प्रेशर जो है वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा जो क्या बोलें कि पी बी जो फार्मूला होता है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यही होता है ना, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है आपका एन बी एन सॉरी वी माइनस एन बी
वी माइनस एन बी हो जाता है और इज इक्वल टू हो जाता है आपका एन आर टी। ठीक है, एन वन मोल मान लीजिए तो उससे हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये बताइए कि नियर द पॉइंट ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस पॉइंट पे क्या हो जाना चाहिए, तो इसका क्या करूँ कि इस पे प्रेशर जब कम है, तो जब प्रेशर कम है तो बी को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इस फैक्टर को हम लोग हटा दें। चलिए हटा दिया, तो उस समय जो होगा, क्योंकि जब ये फैक्टर हटाएंगे तो हमारे पास केवल अगर एन इज इक्वल टू वन मोल है तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वी और ये हो जाएगा आपका आर टी, है ना, यही फार्मूला बैठेगा। तो अब सिंपल से हम लिख सकते हैं कि आप पी बी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो यहाँ पर लिखिए भाई अगर इस फार्मूले को और तोड़ें तो जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारे लिए जो तरीका बना है वो जेड की, यदि पी बी इज इक्वल टू होता है आर टी, यही बना, पी बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी हो गया। इसको अगर तोड़िए देखिए ऐसे ही बनेगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर जेड की वैल्यू जो है निकालें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वन हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस ए अपॉन वी आर टी बचा, चेक करके देखिए आप। ठीक है भाई, इसमें हमें करना क्या है, सिंपली भाई जो हमारा v इज इक्वल टू आर टी बना, तो आर टी यानी कि पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर पी वी की वैल्यू पुट कर देना है, ठीक यही आएगा, डन। तो यानी कि ऐसा कोई फार्मूला हमें दिख रहा है, जेड इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए अपॉन वी आर टी, ए अपॉन वी आर टी, यानी कि डी ऑप्शन इसका हम फिर लगा दें, सिंपल सा इसका ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। पर फिर दोबारा समझ लीजिएगा एक बार, देखिए इसको अगर आपको दोबारा ओपन करके इसे देखना है तो सिंपली आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना क्या है वो आप देखिए। सिंपल आपको क्या कर सकते हैं, आप इसे जैसे कि आप इसे ओपन कर लीजिए, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है इंटू वी इज इक्वल टू आर टी है, इसे मल्टीप्लाई करिए तो पी वी हो गया, प्लस पी वी हो गया, ये ए अपॉन वी बचा इज इक्वल टू आर टी जो मैंने यहाँ लिखा था, तो इसको उधर भेज दीजिए तो क्या बचा पी वी, मैंने यहाँ शॉर्टकट मार दिया ना जल्दी में, लेकिन अब आपको मुझे लगने लगा कि ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ा जाए, तो आर टी माइनस इधर भेजा तो ए अपॉन वी हो गया। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी बी इज इक्वल टू, यानी कि ये सिंपली वैल्यू पी बी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो यानी जेड हो जाएगा, तो ये आपका हो गया, ये हो गया वन माइनस ए अपॉन, ये नीचे ले आइए, ए अपॉन आर वी आर टी हो गया, यानी आर टी से सिंपली बात ये कि भाई आर टी से इसे डिवाइड कर दीजिए, आर टी से इसे डिवाइड कर दीजिए, इसे भी आर टी डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो हो गया जेड, तो जेड तो ये हो गया, ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन हो गई, यही आ जाएगा, ठीक है कर लेंगे। चलिए ठीक, इसके बाद 13 क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, तो 13 तो अब आप कर ही लेंगे कि 13 वाले में करेक्ट स्टेटमेंट ही निकालना है, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। चलो ये बात देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट इतनी होती है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी ये भी देखना पड़ेगा। चलो इसको आप कैलकुलेट करना, 13 वाले को आपको मैं होमवर्क में लिखे दे रहा हूँ, क्योंकि दो चार क्वेश्चन आप करेंगे तो ठीक है, आपको भी सही लगेगा, मुझे भी लगेगा, नहीं आपको इसका 14 वाले का आंसर आप मैच करेंगे, इससे पहले मैंने मैच द कॉलम करवाए हैं, उसी तरीके से आप मैच करिएगा। देखो एक तो ऑप्शन यही वाला है, जो ये वाला ऑप्शन है ये वाला मिलता जुलता इससे पहले वाले कॉलम में भी था, तो 14 भी होमवर्क में जाने दीजिएगा, तो 13 भी होमवर्क में गया, 14 भी होमवर्क में गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द वेंडरवॉल पैरामीटर्स ऑफ द टू गैसेस आर गिवन, यानी कि दो गैसेस के वेंडरवॉल पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं। इसमें करना क्या है भाई, इसमें करना ये है कि गैस एक्स का वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू ये दे रखी है और बी की है, गैस वाई की वैल्यू दे रखी है, तो ए इज इक्वल टू वी सी, वी सी और एक्स गैस का है,
वॉल्यूम गैस का वी सी वाई लेस देन वी सी, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेट, कौन सा अल्टरनेट सही होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 15 वाले में आपको देखना ये है कि जो हमारे पास बी सी है, यानी कि सिंपल जो है बी सी इज इक्वल टू 3B के बराबर आना चाहिए, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 3B आना चाहिए, और पी सी इज इक्वल टू जो है, पहले देखते हैं, बी सी इज इक्वल टू जो है वो 3B आना चाहिए, और आपका पी सी जो है वो आ जाना चाहिए, पी सी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 27B² और आपका टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर वॉल्यूम है ना, क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल प्रेशर, टी सी जो आता है वो 8A, क्योंकि ऊपर ही लिखा है ना 8A अपॉन हो जाएगा 27B और R, इस तरीके से। तो ये अब आपके सामने दिखना चाहिए कि जितनी वैल्यू स्मॉल की, बी की वैल्यू स्मॉल और होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, उतना ही बी सी छोटा होता चला जाएगा, है ना। बी सी अब जितनी पी सी बढ़ेगा उतना ही टी सी बढ़ेगा। देखो पी सी, जितना आपका पी सी बढ़ेगा उतना ही आपका बढ़ेगा टी सी, सिंपल सा, ठीक है। तो बी जब घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जब घटेगा तो टी सी बढ़ेगा। तो सिंपल हम ये कहें कि यहाँ पर पी सी कम होगा, पी सी ऑफ एक्स इज लेस देन पी सी ऑफ बी, ठीक है। टी सी और टी सी कम हो जाएगा, टी सी कम हो गया, ठीक है। जिसका मतलब है कि डी के ऑप्शन डी सही जा रहा है, यानी पी सी घटा तो पी सी वाई का भी घटा, सही है। टी सी घटा तो टी सी वाई का भी घटा, क्योंकि स्मॉलर द बी, ठीक है, वैल्यू स्मॉलर बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी सी, तो ये तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो हटा दो आप, ठीक है। ये गैस कांस्टेंट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी सी, तो यानी आंसर ये दोनों सही आना, और ये दोनों ऑप्शन फिर डी में दिए हो, तो इसका मतलब 15 का फिर डी ही आएगा, ठीक है। फिलहाल आप भी एक बार चेक करिएगा, मुझे तो फिर यही लग रहा है कि मैंने फिर इसको सही लगाया है। आप एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि पी सी दोनों के घटेंगे भाई, पी सी इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक। इसका टी सी कम है, इसका टी सी ज़्यादा है, तो वो डिपेंडेंट उसी पे ही कर रहे हैं, ठीक। 16 वाले पे आ जाइए। 16 वाला क्या कह रहा है, 16 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसी, ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो हमने ई ए वाला लगाया था, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसी कैटेगरी क्वेश्चन है, तो आप इसी से मिलता जुलता है, तो आप एक बार इसके लिए भी कोशिश करिएगा। इसका फिलहाल आंसर मैं टिक करूँगा, तो आपके पास 13, 14 और 16 ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आपके पास आ चुके हैं। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए, जिनके आंसर भी मैंने बताए, कैलकुलेशन भी की आपके साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये वाले हैं, और इन क्वेश्चन को भी आप अगर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन मैं अब आपको देता हूँ कि आप करिए इनको। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसकी PDF मैं दे दूँगा आपको, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 करिएगा, टू लिक्विफाई द गैसियस सब्सटेंस हुज क्रिटिकल टेम्परेचर आर बिलो रूम टेम्परेचर रिक्वायर्स, यानी कि 17 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, यानी कि लिक्विड कोई भी गैस लिक्विफाइड कर सकते हैं हाई प्रेशर पे, हुज क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो किसी गैस को हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी गैस लिक्विफाई होती है बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स अ गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर हाई प्रेशर और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई प्रेशर बिलोरिंग द टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि 17 वाले का आंसर फिर पहले ही लगा दें। चलिए कर ही देते हैं। 18 वाले पे गिवन, ये जो यूट्यूब दे रखे हैं, जी ट्यूब दे रखे हैं, 2.5 मतलब द एयर, ये पहले वाला का जो क्वेश्चन मैंने किया है 18 वाला में, फर्स्ट वाले से कंपेयर करिएगा, उसी तरीके से ये आंसर लग जाएगा, सिंपल सा है। डिफरेंस निकालना पड़ेगा मरकरी लेवल का, तो डिफरेंस मरकरी लेवल का तभी निकल पाएगा जब इसका प्रेशर निकाल देंगे आप, है ना। वॉल्यूम दिया हुआ है, तो एक का प्रेशर दिया हुआ, दूसरे का प्रेशर निकाल लीजिए। चलिए मैं यहीं कर देता हूँ। तो P1V1 इज इक्वल टू हो जाता है आपका P2V2 हो जाता है, तो यहाँ पर P2 निकाल दीजिए, तो P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन V1, नीचे आ जाएगा आपका V2 आ जाएगा, ये नीचे V2 आ जाएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब जो आपका P2 आ जाए, वो P2 जो आएगा वो इसमें से आप क्या करिएगा कि जो एक्चुअल प्रेशर है 1 एटमोसफियर, ये घटा दीजिएगा, यहाँ पर जो P2 निकालिएगा, जो P2 आएगा वो P2 ज़्यादा ही आएगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा, उसमें से 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 घटा दीजिएगा, तो जो भी आए 760 घटाने का मतलब है, तो ये तो बचेगा नहीं, अब इसमें से कौन सा बचेगा, ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा,
चलिए मैं निकालता हूँ, नहीं तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखता हूँ 7P1760 रखता हूँ 1 एटमॉस्फेयर की जगह। वॉल्यूम कितना है 2.4 हो गया, और नीचे आपका वॉल्यूम B2 जो है वो कितना हो गया, वॉल्यूम 1.9, यानी V2 1.9 हो गया। तो लगभग मान के चलिए ये डेसिमल हटा दें तो ये 1 × 1.2 समथिंग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1200 12 0 0 12 6 72 12 87 84 85 86 87 88 89 91, यानी कि ये हो गया आपका डेसिमल 912। ना गलत है, ये 912 तो नहीं आएगा कुछ, क्योंकि वो 1.2 भी नहीं आएगा ना, कुछ 1.2 से थोड़ा सा कम रहेगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, बस अपना कैलकुलेटर में यूज़ कर लूँ। ये कर देता हूँ 760 मल्टीप्लाइड बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 1.9, तो ये 960 आ गया भाई। तो ये आपका 960 आ गया, और 960 प्रेशर तो यानी डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू 960 माइनस 760, यानी कि आपका 200 आ जाएगा। तो आंसर 200 वाला फिर ये आ जाएगा, ठीक है, करेंगे आप इसे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको दे रहा हूँ, अब मैं आपको ऑप्शन में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप करिएगा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आप भी करेंगे, इसकी पीडीएफ में लगा दूंगा इसमें। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 24 वाला और 25, ये दोनों क्वेश्चन 24 25 पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपको मिल सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपको मतलब सब्जेक्टिव लेवल पर भी आ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेवल पर भी आ सकते हैं। इनके आंसर्स मैं लिख करके लगा दूंगा और कैलकुलेट करके, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन आप इन क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपके पास क्वेश्चन कुछ हो गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं कहूँ तो 13, 14, ये क्वेश्चन लगाना है, बाकी आपको इधर वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन करके आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से इनको देख सकें। तो मैंने आज ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, और ये सभी क्वेश्चन गैसेस स्टेट के थे, गैसेस स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, वो मैंने यहाँ पर ऑप्शन लगा दिए हैं। इन ऑप्शन में आप इसको चेक कर लीजिएगा, इनमें ज़रा भी कोई कन्फ्यूज़न या डाउट लगे तो बिल्कुल जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर के साथ में क्वारी डाल दीजिएगा, मैं आपको 12 घंटे के अंदर जवाब दे दूंगा। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेंस के लिए भी मैंने प्लान किया हुआ, मेंस के लिए भी मैटर मैं भेजूंगा आप तक। तो तब तक आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।